कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ स्वागत है आपका मैथ की दुनिया में। और आज का जो टॉपिक है वो कल की क्लास से अगला टॉपिक है, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य मतलब कि एमआरपी से, कैसे एमआरपी से आप लोग सीपी निकाल सकते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब कि आपको क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है और आपको निकालना है सीपी कुछ शर्तों के साथ। आइए सीखते हैं। 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद बड़ा ही क्रांतिकारी तरीके से, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, पर जब अच्छा लगे तभी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है ना, जहां पर हमें सीखना है कुछ क्रांतिकारी। तो लिखा है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये का एक टैग लगा है, एक पर्ची लटक रही है। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना था। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एमआरपी कितना है सर? एमआरपी है 825 रुपये, समझते हैं। और उसने डिस्काउंट कितना दिया? सर जी उसने डिस्काउंट दिया है 20%। अब हमने कल सीखा था, और कल की वीडियो नहीं देखी तो भी कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट हमेशा किस पर काउंट होता है? एमआरपी पर। अगर आपको कोई दुकानदार डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कब देगा? जितना आपके प्रोडक्ट पर कीमत लिखी होगी उस पर डिस्काउंट दे देगा। ऐसा तो है नहीं जितने पर खरीद के लाया उस पर डिस्काउंट दे देगा, ऐसा तो बेचारा बर्बाद हो लेगा। नहीं, तो 20% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 10% का। तो आओ चीजें समझते हैं। अब ये बताओ, इस लाइन को तो सबसे एंड में यूज करेंगे आप लोग। देखिए मैं सवाल को जब कराता हूँ तो मेरी एक बड़ी आदत सी है कि मैं उसका कॉन्सेप्ट पूरा ही लेके चलता हूँ। मैं डायरेक्ट ट्रिक लिखा दूँ उससे भी मजा नहीं आएगा। लिखा तो सकते हैं, बिल्कुल लिखा सकते हैं, पर पूरी चीज़ें कन्फर्म करेंगे। तो प्रॉफिट की बात सबसे एंड में। सबसे पहले देखो, अगर आप दुकान के अंदर गए, आपने देखा कि 825 रुपये का टैग लग रहा है घड़ी पर, दुकानदार ने कहा कि 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो बताओ घड़ी कितने की लोगे? तो भैया निकालो, 825 पे जब 20% का तो डिस्काउंट हो गया, तो घड़ी बची कितने की? 80% की। 20% तो कम हो गए ना, तो बचा कितना? सर 80% बचा, तो 80% निकाल लो, तो उससे पता चल जाएगा कि घड़ी अभी कितने दम है। 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल करिएगा, 5 एकन 5, बचा कितना? 3, 5 छंग 30, बचा 2, 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और 2, 6 26, हासिल 2, 4 एकन 4 और 2, 660 रुपये की घड़ी आपको पड़ी। मतलब आपने घड़ी कितने में खरीदी? आप 660 में। बात समझ में आ गई? 825 का टैग था, आपको 20% के डिस्काउंट के बाद घड़ी कितने की पड़ी? कि साहब मुझे पड़ी 660 की, इतना कंफर्म। इतने में आपने खरीदी दुकानदार से 20% डिस्काउंट के बाद। लेकिन अब दुकानदार ने इतने रुपए में बेचने के बाद भी, आपसे 10% रुपया कमा लिया। कितना कमा लिया? 10% रुपया कमा लिया। तो बताओ घड़ी का सीपी कितना था? तो आपको मैंने पहले बताया है, अगर आप इस चैप्टर को सीख रहे हैं तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब अच्छी पकड़ इसमें बना पाएंगे। आओ समझते हैं। देखिए हमेशा क्या चीजें होती हैं? सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। फिलहाल प्रॉफिट है 10%, और घड़ी कितने में बिकी है? 6600 में। तो आपको बताना सीपी कितना होगा। सीपी हमेशा कितना माना जाता है? सर सीपी हमेशा 100% माना जाता है। जब सीपी हमेशा 100% माना जाता है, तो अब 10% ज्यादा में चीज बिकी आपकी, 10% का फायदा हुआ, 10% ज्यादा में बिकी ना, तो चीज कितने परसेंट पे बिकी? सर 110% पर बिकी, क्योंकि 100% पर तो ये जो चीज जितने की थी, और 10% आपने कमा भी लिया तो 110% पर बिकी, लेकिन बिकी कितने की? 660 की। तो हम कह सकते हैं कि 110% कितने के बराबर हुआ? 660। तो 1% की कीमत निकालिएगा, 660/110, ऐसे ही होता है। अब जब इतना आ गया है तो 100% की कीमत निकाल लो। 100% की कीमत क्यों? क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, और आपसे सीपी ही पूछा गया है, क्रय मूल्य ही पूछा गया है। तो इंटू 100, 0 से 0, 11 छिंग 66, 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा? 600। इसका मतलब दुकानदार ने घड़ी कितने में खरीदी थी? 600 में खरीदी थी।
तो ये है विद कॉन्सेप्ट, आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी। बातें क्लियर हैं या नहीं? देखिए बड़े आराम से चीज़ों को समझना है आपको, ताकि बिल्कुल आगे जाके परेशानी ना उठानी पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। ये चैप्टर बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब ट्रिक समझ लेते हैं कि ट्रिक से सवाल को करेंगे कैसे। अब देखो भाई, कॉन्सेप्ट का आना भैया जरूरी है, ट्रिक तो काम करते करते पर कॉन्सेप्ट सीख गए, अब आप ट्रिक देखेंगे। अब 5 से 10 सेकंड आपको लगेंगे सवाल करने में। कितने रुपए दे रखे हैं एमआरपी? सर जी एमआरपी दे रखा है 825 रुपए। डिस्काउंट कितना हो रहा है? सर जी 20%। तो चीज कितनी बची? सर 80% कन्फर्म। और यदि बिक्री पर उसे कितना फायदा हो जाए? 10% का, और 10% का मतलब 110। इसे सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। ये देखो 0 से 0, 11 से इसे काटने की कोशिश करेंगे तो 11 सत्ते 77, 3 2 5, 11 5 55, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 600 हो जाएगा आंसर। अब बताइए ये क्या आ गया निकलकर? सीपी। पर इस सीपी में दुख है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ कि एसपी वगैरह ये सब चीज़ों का एकदम, जो ज्ञान होता है मैथ, याद रखना मैथ की दुनिया इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है, लेकिन मैथ की दुनिया ट्रिक से नहीं बनती, मैथ की दुनिया बनती है आपके कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट जितना प्यारा होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको मजा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आगे के सवाल हम ट्रिक से ही करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को भी ले लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो वही सब चीज़ें, सबसे पहले अगर आप चाहो तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? कॉन्सेप्ट कहता है कि अंकित मूल्य 500 रुपये है, एमआरपी आपका 500 रुपये है, अब उस पर 10% की छूट दे दी तो चीज कितनी बची? 90%। तो पहले इसका 90% निकालो, ये लीजिएगा, तो इसका मतलब चीज अब कितने की बची? 450 रुपये की। इसका मतलब दुकानदार ने वो वस्तु कितने रुपए की बेची? सर जी वो वस्तु 450 रुपये की बेची, मतलब एसपी कितना हुआ? 450। ऐसा करने पर भी 20% का लाभ कमा लिया दुकानदार ने। लाभ कितना हुआ? सर जी 20%। तो बताओ सीपी कितना होगा? तो सीपी कैसे निकालिएगा आप? आपको मालूम है कि भैया 20% का लाभ हुआ और सीपी कितना होता है हमेशा? 100%। तो 100% ये और 20% का लाभ कितना हो गया? 120%। तो इसका मतलब 120% की वैल्यू 450। तो 1% की वैल्यू निकालिएगा तो कैसे निकलेगी? 450/120। और 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की क्यों? क्योंकि सीपी 100% होता है। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से 5, 3 इकन 3, 3 5 15, 4 से काटिएगा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 375। 15 और 25 का मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा? 375। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट से। अब फिर वही बात, ट्रिक, अगर आप इसमें ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया 500 रुपये का आइटम था एमआरपी, 10% की छूट के बाद कितना बचा? 90। 20% का लाभ हो रहा है तो 120। बात क्लियर है? इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, 3 चौक 12, 3 3 9, 4 से काटिएगा आप एक बार, 4 इकन 4 बचा 1, 4 2 8 बचा 2, 25, 125 3 75, ये लीजिएगा। आप जैसे चाहें, जौन सा तरीका अच्छा लगे वो अपना लेना, मुझे तो दोनों ही बराबर हैं। ये है आपकी ट्रिक के साथ पल भर में आपके पास आंसर, ठीक है ना, पल भर में आंसर है। अब बिल्कुल बताइए पल भर में आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो अभी तक। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी 12,600 हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? निकालते हैं फटाफट ट्रिक के साथ, चलते हैं आप तेजी के साथ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सीख चुके हैं। तो 12 ये लीजिए ये एमआरपी, 12% की छूट दे दी तो चीज बची कितने की? सर चीज बची 88% की, तो इनटू 88, और 10% का लाभ हो रहा है तो चीज कितने की हो गई? 110। अच्छा अगर लॉस हो रहा होता तो घटा देते 100 में से 90 लिख देते नीचे भी, मानते या नहीं? कर लीजिए सॉल्व, 0 से 0, 11 8 88, कितना बचा?
12600 गुणा 8 मल्टीप्लाई करिएगा तो दो जीरो ऐसे ही 8 छः 48 का 8 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 4 दो 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 8 एक 8 और 2 10, 10 28 दो जीरो। अच्छा चलिए एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लग गया है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए क्या लग रहे हैं 10 से 15 सेकंड आपको? बिल्कुल नहीं लगेंगे, अब बिल्कुल नहीं लगने वाले 10 से 15 सेकंड, सो पर आपका बिल्कुल समय नहीं खर्च होगा। अगला चलते हैं छोटा सा वीडियो एकदम बन जाता है, कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगा आंखों की आंखों में, ठीक है? नहीं देखेंगे। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% डिस्काउंट दे देता है और 4.5% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी होगी? अब देखो फिर से भैया, 275 रुपये उसका MRP है, 5% का छूट दे दिया तो कितने का बचा? 95 का, और 4.5% का लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 104.5। सोल्व कीजिएगा आंसर मिलेगा फटाफट मिलेगा, इसे सिर्फ सोल्व करना है और आंसर आपके पास होगा। देखिए पॉइंट से डरने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, पॉइंट को सोल्व करना आप लोग सीख सकते हैं। आओ करते हैं पॉइंट को सोल्व। अगर एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक ऊपर से 10 से गुणा कर दो और नीचे 10 से गुणा कर दो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नीचे 10 से गुणा करोगे तो संख्या क्या बनेगी? 275 गुणा 95 गुणा 10 बटे 100, या फिर इसे सीधा सीधा कह देते हैं, पॉइंट हटा दो ऊपर 10 बढ़ा दो, ठीक है? बात एक ही है। अब आपके सामने सवाल है, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कितने आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं आप लोग। 5 से कट करने की कोशिश करेंगे, 5 दूनी 10, 0 5 नीम 45, 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 पंजे 25। अब 11 से कट कर सकते हैं, 11 एकन 11 बचा 9, 11 नीम 99, 11 पंजे ये हो गया। 19 से कट कर सकते हैं, 19 पंजे 95, तो अब क्या बचा? ऊपर बचा 5, ऊपर बचा दूसरा 5, फिर बचा 10, इनके मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा? सर जी 250 हो जाएगा। अब बताइए क्या सवाल टफ है? फटाफट बताइए क्या सवाल अभी भी भारी लग रहा है? जो जो काम है बिल्कुल इजी है, चलते चलते कट जाए रास्ते वाली बात है, सवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट तेज तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने पर, मतलब 20% डिस्काउंट देने पर एक व्यापारी 12% का लाभ होता है, मतलब डिस्काउंट भी दे दिया और 12% लाभ भी कमा लिया, यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है। अब आपको मालूम है क्या करना है, 840 अंकित मूल्य, डिस्काउंट कितना दिया? सर जी 20% दिया, तो वस्तु कितने परसेंट बची? फटाफट बताइएगा वस्तु कितने परसेंट बची? सर 80% बची, तो ये लो 80%। अब उसे लाभ कितना हो रहा है? सर 12% का हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 112। ये लीजिए, कोई टफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आइए सोल्व करके देख लेते हैं, जिस संख्या से कट सकता है उसे काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ये 40, 2 दूनी 4, या फिर चलिए 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 20। अब और कट कर सकते हैं इसे भी, 2 इकन 2, 2 चौक 8, ये 10। अभी और कर सकते हैं, चलिए 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, क्या अभी कर सकते हैं? अब 7 से इसे काट कर सकते हैं, 7 इकन 7, 7 दूनी 14, 120, तो ऊपर क्या बचा? 120 एक बचा, 5 एक बचा, तो 120 गुणा 5, 12 पंजे 60, कितना आया? सर जी 600 रुपये आया। अब बताइए क्या ये टफ है? पल भर का सवाल है, पल भर का, ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं, पल भर का सवाल है, चुटकी भर सवाल है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखा है 850 रुपये की लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी? अब तो बिल्कुल सिंपल है, 850 रुपये की लागत की एक वस्तु पर कितनी छूट दे दी? 5% की छूट दे दी, तो वस्तु कितनी बची? सर जी 95% बची। और अब 10% की छूट दे दी तो कितनी बची? सर जी 90 बची।
सोल्व कर लो, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बड़े प्यार के साथ हो जाएंगे। आइए, और कट करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए, क्या क्या बचा, यहाँ बचा 85, यहाँ बचा 95 और यहाँ बचा 9 और अपॉन में बचा है 100। क्या ये कोई ऐसी संख्या है जिससे सब कट हो जाए? नहीं हो सकता, तो आप इसे सीधा सीधा करने की कोशिश करें। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आएगी ये अपॉन 100, दो जीरो हटा दो, पॉइंट लगा दो, आंसर आएगा 726.75। तो अब बताइए इजी है, इजी है या नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है या नहीं है? अब ये सवाल आप पल भर में कर पाएंगे, ट्रिक के साथ चलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, यूट्यूब पर हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रिक सिखा देते हैं, उससे होने वाले सवाल दिखा देते हैं, पर कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं आता तो वो एग्जाम में माथे आता, उस टाइम तो उसे अच्छा अच्छा फील होता है कि ओ हो मज़ा आ गया रे, जन्नत लूट ली रे, मैं तो सहनसा बन गया रे। कुछ सहनसा नहीं बना तो गिदड़ बन गया है, क्योंकि ट्रिक सिर्फ ट्रिक होती है भैया, ट्रिक कभी आपको सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ा सकती, कहीं कहीं हेल्प कर सकती है, तो उस हेल्प के लिए ट्रिक जरूरी होती है। मैं भी यूट्यूब पर ही हूँ उस समय और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी साथ ही साथ ये बात बताता चल रहा हूँ, ट्रिक सिर्फ एक जहर है आपके शरीर में जो घोल दिया जाता है कि भैया कर लो। बताइए जो ट्रिक हम कर रहे हैं कुछ साइंस बनना, सीधा सीधा कर रहे हैं लेकिन पढ़ना, जो कॉन्सेप्ट है जो समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि सर इसका मतलब ट्रिक सीख ही ना जाए, नहीं सीखो, पर जो चीज़ जैसे यूज में होती है वैसे करो। कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और ट्रिक भी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इसलिए कि जिस दिन ट्रिक काम नहीं करेगी तो उस दिन कॉन्सेप्ट आपको निकाल के लेके चला जाएगा, या ऐसा है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे बैठ गए, ट्रिक चाहिए ट्रिक चाहिए, जय माता दी ट्रिक चाहिए, तो भैया माता दी कुछ नहीं करेंगी, ट्रिक सिर्फ कहीं कहीं हेल्प करती है समय बचाने में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिसे कॉन्सेप्ट आता है उसे ट्रिक अपने आप आ जाती है, पर जिसे ट्रिक आती है उसे कॉन्सेप्ट नहीं आता, याद रखना इस चीज को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिखा है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ कमा लेता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो। ओहो, 50 रुपये अंकित मूल्य, 10% की छूट दे दी तो चीज कितनी बची? सर जी 90%। और 25% का लाभ हुआ तो चीज कितनी हो गई? 125। ये लो, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 दुनी 50, इससे काटेंगे 5 एकन 5, बचा 4, 5 अट्ठे 40 और 18 दुनी 36। ये लीजिए, हो गया सवाल, पर ट्रिक है याद रखना, है ट्रिक ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। लिखा है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% लाभ कमाता है। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसकी लागत मूल्य कितना है? तो देखो, 250 रुपये, 8% का डिस्काउंट दिया तो चीज कितनी बची? 92%। और 15% का लाभ कमाया तो 115। वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ इट इज, कट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25, 0 23 से ये कट सकता है, 4 बार काट सकते हैं ना, 23 चौके, 4 3 12 का 2, हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, हाँ 4 बार कटेगा। और 50 चौके 200, क्या 200 है? हाँ सर है, ये रहा। तो अब बताइए, अब आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकालना तो सीख ही गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग अंकित मूल्य से क्रय मूल्य सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकले, आज हमने सीखा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकले। अगली वीडियो बड़ी काम की होगी, उसके अंदर हम सीखेंगे कि अंकित मूल्य कैसे निकले जो इसके अंदर दे रखा है। तो अगली वीडियो का वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।